घोड़े से दब दब के रोती थी। ऐसे मत पूछ। अब क्या रोना, अब तो मिल गया भाई। अब तो मिल गया, अब तो अच्छी बात है। दोनों बहन भाई स्कूल से आ रहे थे, थोड़े बहन से गुस्से होके पीछे बैठ गया और इधर से टेम्पो है, टेम्पो वाले कहाँ ले गए थे? अच्छा, दिन भर रेल बत्ती जलाते थे, शाम को उसको बांध देते थे और खाने में सिर्फ एक रोटी, दिन भर और कुछ नहीं। तो कैसे निकले आप वहाँ से? किसी ट्रक वाले ने। अच्छा वो है। और इसका काम जो है बचपन में ये गंजा सा पेड़ से ये निशान थी। ये राजू है। राजू को देखने पूरा मोहल्ला उनके घर पर इकट्ठा हुआ था। दरअसल राजू 31 साल पहले अपने परिवार से बिछड़ गए थे। राजू के पिता तुलाराम ने दावा किया है कि 31 साल पहले राजू का किडनैपिंग किया गया था। काफी तलाशी के बाद भी राजू का कोई अता पता नहीं लगा। लेकिन कहते हैं ना, जिसे तकदीर ने ठान लिया हो मिलाना है, वो मिलाकर ही रहता है। लगभग कुछ दिन पहले राजू अचानक यूपी के गाजियाबाद के खोड़ा थाने पहुंचा और कहा, मेरे परिवार को ढूंढ दो। मम्मी पापा मिल गए आपको? वो दिन आपको याद है जब आपको उठा कर ले गए थे, क्या हुआ था उस दिन? दोनों बहन भाई स्कूल से आ रहे थे, थोड़े बहन से गुस्से होके पीछे बैठ गया और इधर से टेम्पो है, टेम्पो वाले कहाँ ले गए थे? राजस्थान। राजस्थान, वहाँ क्या करते थे? वहाँ बेड में ब्रिज रहते थे। वहाँ उन्होंने आपको रखा इतने साल अपने पास और सिर्फ आपसे काम करवाते थे? कौन कौन से काम? अच्छा, दिन भर रेल बत्ती जलाते थे, शाम को उसको बांध देते थे और खाने में सिर्फ एक रोटी, दिन भर और कुछ नहीं। तो कैसे निकले आप वहां से? ट्रक वाले वहां क्या करने गए थे? थोड़ा पीछे हो जाओ। चार सुबह कर लाए आप, उन्होंने कहा थोड़ा आपको? तो आप क्या पूछते हुए, याद क्या था? सब शेयर का नाम याद था, गली मोहल्ला क्या था? सब शेयर का नाम याद था, गाजियाबाद। राजू बताते हैं कि 8 साल के थे तो कुछ लोग उन्हें उठाकर यूपी से राजस्थान ले गए थे। वहाँ पर उनसे मजदूरी करवाए जाते थे। इतना ही नहीं,
राजू ने ये भी बताया कि दिन भर उनसे भेड़ चराने के लिए कहा जाता था। इसके बाद खाने में उन्हें एक रोटी और दाल दी जाती थी। राजू कहीं भाग ना जाए इसलिए उसे कैद करके रखा जाता था। रस्सियों से बांध कर उसे सोने पर मजबूर किया जाता था। मतलब किसी को नहीं कहा, इन्होंने तो पहचाना, आपने कैसे, आपको कैसे पहचाना? ये पीछे हो जाओगे, इसका काम जो है बचपन में यूं बनता था पेड़ से, ये निशान थे। तो जो निशानियां आपको याद थी वो सारे निशान आपको इनमें मिल गए। किसका शुक्रिया अदा करती हैं आप? किसने जो मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मेरे पीछे मैं इससे बच रही हूँ। पुलिस वाला बोला तू कैसी माँ है, दुनिया बेटा के लिए भग रही है और तू पीछे हट रही है। आप क्यों पीछे हट रही थी? मैं पीछे ये हट रही हूँ कभी मेरा ना हो ना, किसके पापा बुलाए, फिर इसकी बहन बुलाई, सब ने कही मम्मी हम आ रही है। इसके पापा दूर से कहीं ना कहीं मेरे पापा आ रहे हैं। जब तो मेरे पापा पतले थे अब मोटे थे, पुलिस वाला हाथ पड़ा नहीं तेरे बाद में, तेरे पापा ने खाया ना कोई अच्छा। तो इन्होंने दूर से ही पहचान लिया था। लेकिन राजू का नसीब बहुत ही तेज था, जिसकी बदौलत दिल्ली का एक व्यापारी भेड़ खरीदने के लिए राजस्थान पहुंचा था, जहां पर उसने देखा कि राजू को बांध कर रखा गया था। वो आदमी राजू से बात करने लगा। इसी बीच मौका देखते ही राजू ने हाथ जोड़कर उस आदमी से रिक्वेस्ट कर डाली। उनके हाथ पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, उनसे कहा कि मुझे किसी तरह यहाँ से निकाल दीजिए। इस पर व्यापारी ने राजू की मदद करने की ठान ली थी। उसने प्लानिंग बनाया और प्लानिंग के तहत व्यापारी ने भीड़ के बीच में राजू को बिठाकर दिल्ली ले आया। दिल्ली से उसने राजू को गाजियाबाद के ट्रेन में बिठा दिया था। राजू बताते हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने शहर का नाम याद था और कुछ भी उन्हें याद नहीं था। बस फिर क्या था, राजू पहुंच गए खोड़ा थाने और पुलिस से उसने मदद की गुहार लगाई और पुलिस की मदद से ही राजू अपने परिवार तक पहुंच गए। राजू का मानना है कि पहले भी कई परिवार आए थे लेकिन वो कभी भी उन्हें पहचान नहीं सके। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा फौरन वो पहचान गया। राजू की माँ ने बताया कि उन्हें देखते ही वो फौरन रोने लगा। राजू के शरीर में बचपन के 3 निशानियां थी जो वो फौरन राजू के शरीर पर देखने लगी। इतने में उन्होंने देखा कि 3 निशान राजू के शरीर पर मौजूद थे। इतना ही नहीं, राजू ने दूर से ही देखकर अपने पिता को भी पहचान लिया था। अब बात करते हैं राजू की बहन की। राजू की बहन जैसे ही उनसे सवाल पूछा गया वो फौरन फफक कर रोने लगी, अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाई। ऐसे मत पूछ। अब क्या रोना, अब तो मिल गया भाई, अब तो मिल गया, अब तो अच्छी बात है। आप सोचिए कि आज जब भाई बगल में बैठा है और हमने ये सवाल पूछा तो आज बहन और माँ की आंखों में आंसू आ गए, पर हर त्योहार पर, हर रक्षाबंधन पर इनके दिलों पर क्या बीतती होगी इन आंसुओं से समझना मुश्किल नहीं है। अब तो भाई मिल गया, अब तो आप अच्छे से रहेंगे। अभी अब क्या सपने अपने क्या आप देखें, इनके लिए पता ना कि भाई होगा तो ऐसा करेंगे, अब तो सब कुछ ही होगा। शादी क्या करेंगे आपके बच्चों से मिलेंगे? नहीं अभी नहीं मिलेगा।
वो दरवाजा बंद कर देंगे। ये पूरा परिवार है आज खुश है, आंखों में खुशी के आंसू हैं, लेकिन बड़ी बात यही कि कह रहे हैं कि हनुमान जी के भक्त थे, बचपन से उनका नाम लिया और आखिर गुरु ने घर तक पहुंचा दिया। अब परिवार चाहता है कि आगे जिस तरह से एक बेटे के तमाम रीति रिवाज होते हैं, घर में शादी होती है, वो सब कुछ अब होगा, तो मिलाकर इस परिवार की खुशियाँ बेटे के रूप में वापस आ गई। सत्संग जाते थे, मंदिर तो कम है हमारा, सत्संग है हमारा राधा स्वामी सत्संग, उसमें जाते थे, मंदिर भी जाते थे मेरे पापा तो उस टाइम। और जब ये है कि मंदिर दही देवता ने साथ नहीं दिया तो छोड़ दिया हमने मंदिर, सत्संग। राजू की तीन बहनें हैं, उनकी बहनों से जब पूछा गया कि राखी पर अपने भैया को याद करती थी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। खैर जो भी रहा हो, लेकिन यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने 30 साल पहले हुए किडनैपिंग केस को आखिरकार सुलझा लिया और उस बिछड़े हुए लड़के को उसके परिवार से मिलवाने में सफल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।